सो वेलकम टू चैनल गाइस, आप देख रहे हो अपने भाई के चैनल पे आज फिर से एक और नई वीडियो। तो थंबनेल टाइटल आपने सब कुछ देख लिया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर है और कौन सी गाड़ी जो है रहने वाली है। एक बार फिर भी मनु भैया अपने साथ है, तो मनु भैया से पूछते हैं, मनु भैया आज की जो पब्लिक को हम क्या दिखाने वाले हैं? आज हमारे पास जो मॉडिफाइड होने गाड़ी आई है, बहुत ही सेलेबल गाड़ी है इस टाइम पे, ऑल्टो है वो जिसका नाम, ठीक है, और बहुत सेल है इस टाइम पे उसका मार्केट के अंदर उसकी। अगर जैसे छोटी गाड़ी के अंदर है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा आजकल चल रही है वो ऑल्टो ही है। ऑल्टो ही चल रही है क्योंकि बजट फ्रेंडली भी कार है, बजट फ्रेंडली है। 4-5 लाख रुपए में आजकल की कौन सी गाड़ी आती है? बिल्कुल। और कहीं पे मतलब अगर किसी की एरिया कोई ऐसा है तो वहाँ पे भी वो इजीली अपना पहाड़ों में कहीं पे भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भैया आज का जो है अपना मेन कंसेप्ट जो है क्या दिखाने वाले हैं, मॉडिफिकेशन किस टाइप की जो रहने वाली है? तो बिल्कुल बेसिक सेटअप है, मतलब की कोई ज्यादा ओवर बजट नहीं था, 20-25 हज़ार के बीच का इसका एक सेटअप हमने रखा था, ठीक है। उसके हिसाब से हमने सिर्फ इसमें मॉड्स दिखाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट 50-60 हज़ार तक का भी है तो उस लेवल की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। तो बाकी आप भैया को कॉल करके अगर कोई सी भी डिटेल लेनी हो तो आप भैया से ले सकते हो। तो बाकी आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ कि क्या क्या अल्टो में टेस्टफुली मॉडिफिकेशन हुई है। तो गाइस सबसे पहले फ्रंट से दिखा दूं आपको, गाड़ी के अंदर जो अभी अपना काम चल रहा है ये देख सकते हो। अभी जो इसके अंदर है काफ़ी सारी चेंजेस जो है अभी होनी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पूरा काम जो है अंदर की साइड चल रहा है। बाहर जो है जितना हो गया वो आपको अभी दिखा देता हूँ, बाकी जो होगा एंड में आपको एक और वीडियो तो मैं दिखाऊंगा ही। बाकी फ्रंट में जो है आपको ऑप्शन मिलता है हैलोजन जो आपकी कंपनी में आती है, तो इसको आप रिमूव करके जो है LED इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो, HID इंस्टॉल करवा सकते हो। तो बाकी नीचे इसके अंदर जो है कोई ऑप्शन नहीं आता, फ्रंट में खाली यही चेंजेस करवा सकते हो, बाकी जो है नंबर प्लेट थोड़ी फैंसी लगवा सकते हो। और ऊपर जो है इसमें DRL आती है और इंडिकेटर भी वर्क करती है और एक वाइट कलर में DRL भी चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो ये तो भाई अपना फ्रंट में है, इतना कुछ खास ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और अगर साइड में आओ तो आप अपना अलॉय लगवा सकते हो इसके अंदर, अलॉय भी जो है इसी प्रॉपर साइज़ के जो स्टॉक साइज़ में आपको रिमूव मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर अलॉय व्हील कवर जो है वो भी लगवा सकते हो। और साथ ही में इसके अंदर जो इंस्टॉल हुआ है मड फ्लैप देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू मड फ्लैप इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। और अपना साइड में मैं बात करूँ तो इसके अंदर अभी जो है रेन वाइजर इंस्टॉल होने हैं और इसकी साइड बीटिंग जो है वो इंस्टॉल होनी है। जैसे कि सारा काम होगा तो आपको दिखा दूँगा। बाकी अंदर में जो है अभी ये चल रहा है देख सकते हो, अभी इसके अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो जो है वो लगने वाला है, आगे जो है कंपोनेंट लग रहे हैं और पीछे की साइड जो है इसका कैमरा लग रहा है। एक बार पीछे से आपको मैं दिखा देता हूँ इसका, ये रखा इसकी कैमरे की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हो रखी है, बाकी अभी प्रॉपर फिट हो जाएगा तो आपको एक बार ओवरऑल वीडियो भी दिखाऊंगा। सो गाइस इसके बूट में अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे कैमरा तो मैंने बता दिया, बाकी इसके अंदर जो ऑडियो से रिलेटेड इसके पीछे हुआ है बाकी ट्रे लगी है, ये देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर जो है स्नग फिट प्रॉपर लगी है अपनी ट्रे। और ये जो इसके अंदर अपना ओवल लगे हैं ये देख सकते हो, ये इन्फिनिटी की रेफरेंस सीरीज 9623IX, तो ये अपना लगी है। और आगे जो है आगे भी आपको एक बार ही बताता हूँ, बाकी पीछे का जो सेटअप था ये है, बाकी आप लगवा सकते हो, ऑप्शन इसके अंदर काफ़ी सारे आते हैं। आप अगर चाहो तो इसमें कॉम्पोनेंट्स भी फिट करवा सकते हो, ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो जैसे कि आपने पीछे से देख लिया, अब आपको एक बार आगे का दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे देख सकते हो आपको यहाँ पर पावर विंडो का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहो तो पावर विंडो का जो भी है ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा। बाकी सीट कवर्स जो है आप सीट कवर से लगवा सकते हो, काफ़ी टाइप के सीट कवर्स आते हैं, अल्ट्रा कंफर्ट आते हैं और कंफर्ट प्लस आता है, तो काफ़ी सारे जो है अपना सीट कवर जो आते हैं। बाकी हर एक कलर, हर एक पैटर्न, हर एक डिज़ाइन आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। बाकी अब जो है आपको पता होगा कि पीछे वाली जो बेल्ट का है वो भी अपना अब लॉ जो है आ गया है दिल्ली में, तो उसके लिए भी अपना ये देख सकते हो यहाँ पे अब कट नहीं करते। पहले क्या था कि पहले ये वाली जो अपना हुक होता था इसको अंदर फिट करते थे कि कोई अगर बंदा कोई अगर बैठे तो उसको चुभे नहीं, तो बाकी अब ये जो है अब ये बाहर रखने लग गए हैं। तो बाकी ये जो लॉ आया ये भी भाई बहुत बढ़िया आया है, जैसे कि पीछे का तो आपको मैंने बता दिया। तो बाकी अब एक बार फ्रंट में थोड़ा सा काम लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस गाड़ी में जो अपना सारा जो टेस्टफुली मॉडिफिकेशन थी वो सारी हो चुकी है, तो बाकी एक बार जितना मैंने आपको बता दिया तो एक बार मनु भैया से पूछते हैं, तो मनु भैया जो आपको एक बार ओवरऑल इसका बता देंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है इंस्टॉल आप कर सकते हो। तो मनु भैया फ्रंट में इसके अंदर बहुत ही डिसेंट काम हुआ है और बिल्कुल बेसिक एसेसरीज लगी है, जो कि एक कह लो कि नॉर्मल एसेसरीज पर डे के लिए रेगुलर यूजेज के लिए आपको जरूरी पड़ती है। लगाने को चाहो तो आप इसके अंदर LED HID इंस्टॉल करा सकते हो या प्रोजेक्टर इंस्टॉल करा सकते हो और ऊपर DRL लगवा सकते हो, DRL यहाँ पे लग सकती है आपकी एक्स्ट्रा, और चाहो तो आप यहाँ पे नीचे फॉग लाइट इंस्टॉल करा सकते हो। वो चॉइस के ऊपर होता है कस्टमर की, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और क्या उनकी इंक्वायरी है। और फ्रंट में ग्रिल आप लगवा सकते हो इसके अंदर, ग्रिल भी है जो मैश ग्रिल जो आती है इसकी, मैश ग्रिल नहीं है ये इसकी, बट इसके अंदर जो है आपको अल्फाबेट वाली ऑल्टो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है लाइटिंग भी आप लगवा सकते हो। तो बाकी फ्रंट में जो है आपको खाली यही ऑप्शन मिलता है, बाकी आपका स्प्लिटर्स, लिप गार्ड, आप ऐसी चीजें जो है लगवा सकते हो, समुराई वगैरह भी लगा सकते हो बस में रिक्वायरमेंट के, ठीक है। तो भैया अगर मैं साइड में बात करूं तो आप इसमें साइड में जो है क्या क्या ऑप्शन जो है मिलता है आपको? व्हाइट सील का ऑप्शन मिल सकता है, जो कि आपने देखा होगा हमारे ब्रीजा वाली काफी वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। इस जगह पे इतना बड़ा लैंड रोवर टाइप में आपको एक मार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइड में देखेंगे तो साइड में आपको बाकी मड फ्लैप जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर मड फ्लैप जो है वो इंस्टॉल है, तो भी इसमें क्वालिटी भी आती है, मड फ्लैप क्वालिटी भी आती है
120 रुपए से लेके हमारे पास 450 तक की वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी आप इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा सकते हो और अपना अलॉय कवर जो है, अलॉय कवर की भी एक स्टार्टिंग प्राइस बता दो। 550 जो मतलब आजकल लेटेस्ट डिजाइन चल रहा है, जो हम डायमंड कट के नॉर्मल लेंथ में या फिर आप कह लो सिस्को की अलॉय लुक लुकिंग अलॉय। ठीक है, तो बाकी भाई ये ऑप्शन जो आपको मिल जाता है, बाकी और भी अगर मैं साइड में मिरर पर बात करूं, साइड में अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है 2020 के लिए। इससे पहले वाला जो मॉडल आता था उसके लिए ऑप्शन आता था वो वाला। ठीक है, और इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे वाइजर की सॉल्यूशन हो सकती है, अगर आप चाहो तो अपनी गाड़ी में वाइजर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो इसके अंदर जो है टेस्टफुली मॉडिफिकेशन हुई है, साइड वीडिंग जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो, ऊपर जो है ऊपर आप इसके अंदर रूफ रेल्स जो है इंस्टॉल करवा सकते हो। तो रूफ रेल्स में भी कितने ऑप्शन मिलते हैं? रूफ रेल में इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो आपकी जो होती है यूनिवर्सल आती है, एक स्पेसिफिक कार की मिल जाएगी, एक स्पेसिफिक भी मिल जाएगी। और बाकी भैया एंटीना जो है, एंटीना का एक बार बताओ कि क्या स्टार्टिंग है? एंटीना की आपकी स्टार्टिंग जो 250 रुपीज़ 250 रुपीज़ है। अगर भी जैसे इसमें किसी ने शार्क फिन लगवाना हो बीच में, तो शार्क फिन वो एज अ शो पीस आपको लग सकता है, शो पीस पर वर्क नहीं करेगा, पर वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी भाई फ्रंट में जो था अपना, जो साइड में बाहर की साइड आपको एक बार पीछे से भी दिखा दूँ, तो पीछे में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे अपना लाइट आती है डिग्गी लाइट, इसे बूट लाइट कहते हैं, लाइट भी आप लगवा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरी यहाँ पे आपकी एक स्पॉइलर लाइट लग सकती है, वो लगा सकते हो। सारी टेस्टफुली मॉडिफिकेशन होती है, बाकी आपका जैसे मन करे आप वैसे जो इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी जो मैंने आपको ट्रे दिखा दी, और पीछे भी अगर मैं बात करूं तो उसके डिफ्यूजर रिफ्लेक्टर इसमें कुछ है कस्टमाइज होकर लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बट आपका ये है कि यहाँ पे डिग्गी पत्ती लग सकती है इस प्लेसमेंट में आपकी। ठीक है, क्रोम वाले के हिसाब से। ठीक है, बाकी कैमरा जो है गाइस लग गया अपना पीछे के मड फ्लैप, आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पीछे के मड फ्लैप भी लगे हैं। बाकी बाहर जो था गाइस वो इतना ही था, अब आपको एक बार गाड़ी के अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या गाड़ी के अंदर आप जो है करवा सकते हो। तो गाइस गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको एक बारी इसका मैं सेंटर लॉकिंग वाला सिस्टम दिखा दूँ, जो कि इसके अंदर कंपनी फिट नहीं आता। तो बाकी इसके अंदर ऑप्शन जो है आपके आफ्टर मार्केट अवेलेबल होता है, तो मनु भैया कौन कौन सी कंपनी के जो अवेलेबल हो जाते हैं? हमारे पास इसमें टॉक मिल जाएगी और आरडी मिल जाएगी। ठीक है, रिलायबल ब्रांड आजकल आरडी ज़्यादा चल रहा है क्योंकि नाम काफ़ी आरडी का स्टैंप है। गारंटी वारंटी? वारंटी दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। तो बाकी भाई एक बार आपको मनु भैया जो वर्किंग इसकी करके दिखा देंगे, ये देखो भाई, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बाकी साउंड जो है प्रॉपर जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो बाकी अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं। मनु भैया ये बताओ सबसे पहले जो गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर में है वो क्या क्या ऑप्शन जो है मिलता गाड़ी है? गाड़ी के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें हमने जो इंस्टॉल किया है पहले मैं उसके बारे में गाइडेंस दे देता हूँ आपको। बिल्कुल, सबसे पहले तो इसमें मैट्स इंस्टॉल हुए हैं जो कि आपके 70 मैट्स हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें अंदर और सीट कवर भी इंस्टॉल करा सकते हैं, बट भैया ने कहा कि हमें इसको एटलीस्ट एक साल ऐसे ही रखना है, तो जैसे जैसे बजट के हिसाब से आपका आता रहेगा तो उस हिसाब से हम स्टीयरिंग कवर के भैया स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? 300 रुपये से स्टार्टिंग है, ओईएम फिटमेंट 800 और 1000 रुपये स्टिच वाला। हाँ, ओरिजिनल स्टिचिंग जो आती है। ठीक है, और बाकी भाई आपके पास जो है यहाँ पे एक वेलकम लाइट का जो है ऑप्शन जो है वो मिल जाता है आपका, मतलब उसमें कलर्स जो है भैया कितने अवेलेबल हो जाते हैं? कलर्स वैसे दो अवेलेबल थे, व्हाइट और ब्लू, बट भैया रिकमेंड कौन सा करते हो? व्हाइट गाड़ी में ब्लू, कोई भी गाड़ी हो सब पे ब्लू ही शो होता है। रीजन क्या है कि व्हाइट का रिफ्लेक्शन जो है उतना प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। ठीक है, तो भाई मन्नू भैया जो आपको एक बार प्रॉपर जो है गाइड कर रहे हैं कि आप ये चीज़ जो है इसके अंदर करवा सकते हो और ये चीज़ जो है ऐसे लगेगी। तो बाकी ऑडियो से रिलेटेड एक बार मन्नू भैया से पूछूंगा, मन्नू भैया एक बार ऑडियो से रिलेटेड बता दो इसके अंदर क्या क्या ऑडियो से रिलेटेड। तो इसमें एक तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टीरियो लगा है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग अगर आप देखोगे तो फ्रेम की भी जो है ऑलमोस्ट पियानो फिनिश में है ये। ठीक है, वैसे जो इसे आता है डल फिनिश में आता है, अगर देखोगे तो वैसे इस फिनिश में आता है। ठीक है, और इस फिनिश और इस फिनिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फ्रेम की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है किस टाइम पे किस टाइम पीरियड में कौन सा फ्रेम अवेलेबल है। ठीक है, और मनु भैया अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो एल वायर के कुछ अपने को ऑप्शन मिलते हैं? एल वायर का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल सकता है कि यहाँ से अगर आप लगवाएं, ये प्लेसमेंट पूरी आपकी ईएल वायर के लिए होती है। यहाँ पे इस प्लेसमेंट में आप ईएल वायर विद एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, और रिमोट वाला भी आता है, रिमोट वाले भी आते हैं, बट रिमोट इतना सक्सेसफुल नहीं है इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, तो बाकी ये तो हो गया अपना गाइस। और अगर भी मैं बात करूँ किसी ने हाइड्रो डिप करवाना हो तो अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलता है हाइड्रो डिप में? आपका जो है ये वाला पार्ट ओपन हो जाता है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाले पार्ट जो है पैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैक्सिमम जो आप करा सकते हो इसमें स्टीरियो का एक फ्रेम करा सकते हो या फिर एसी के वेंट्स वगैरह करा सकते हो। ठीक है, मीटर पार्ट इसमें रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी अगर मैं बात करूँ तो अपना सीट कवर से रिलेटेड एक बार बताओ कि इस गाड़ी की कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? स्टार्टिंग रेंज हमारे पास 2,200 रुपए से है, और बकेट में अगर लोगे तो 3,500 से स्टार्टिंग हमारी है। बाकी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल ले रहे हो या कौन सी रेंज ले रहे हो, 8,000 तक की वैरायटी अवेलेबल होती है कभी भी आप शॉप पे विजिट करते हैं तो। ठीक है, तो बाकी भाई ये तो हो गया अपना
फ्लैट का आपका इंटीरियर का जो मैंने आपको ऑलमोस्ट था जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी और भी कई ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आप भैया को कॉल करके जो है पता कर सकते हो। और आपको कोई समझ नहीं आ रहा अगर आप पूछना चाहते हो भैया को तो आपको भैया को एक बार नंबर जरूर बता दो 8586964962। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। एक सेंड होता है, कभी हम कॉल पिक नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सएप पे अपने इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आप भैया को जो है कॉल करके एक एक चीज की पर्टिकुलर जो है आप डिटेल ले सकते हो कि भैया ये चीज अगर मैं इंस्टॉल करवाऊँ तो ये चीज इंस्टॉल होगी या नहीं। क्या होता है टाइमिंग के, क्या होता है कि हमें शॉप पे कस्टमर भी अटेंड करने हैं, वीडियोस भी शूट करनी है, उसके साथ साथ आपकी रिप्लाईज भी करने हैं, तो सब चीज मैच ना हो तो उसके लिए हमारी ये रहता है कि अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो बाकी भाई जैसे कि आपको बता दिए कि एंड्रॉइड स्टीरियो जो है अपना 2.16 ये इंस्टॉल हुआ है। हाँ जी, और भैया कंपनी एक बार दोबारा आप बता दो इसकी। फ्रंट में जो है हमारा मेगासोनिक का स्टीरियो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं मेगासोनिक, अल्फा, स्मार्ट सोनिक, जीवा, हाइपरसोनिक और निपॉन। ठीक है, और इसके अलावा आपको पंक ऑडियो, ड्राइव पंक, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आईपीएस के चाहिए वो भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग कितने से है भैया? 4500 पे से। 4500 से एंड्रॉइड स्टीरियो स्टार्ट है अपना। हाँ जी। ठीक है, और भैया 1GB और 2GB रैम में डिपेंड कितना करता है? देखो कि किस टाइम पीरियड में कौन सा बंदा इस वीडियो को देख रहा है। मान लो आज की डेट में हमने 31 जनवरी को इसको शूट कर रहे हैं, ये जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी उसके बाद एक साल बाद बंदा इसको देख रहा है, बिल्कुल, तो उस टाइम का रेट वेरी करता है कि उस टाइम का टाइम पीरियड का रेट क्या। बिल्कुल भैया, तो बाकी भाई इसलिए आपको कहता हूँ कि कॉल करके एक एक चीज़ की जो है डिटेल ले लो आने से पहले, कहिए ना हो कि आपका भी जो है टाइम वेस्ट हो। बिल्कुल, तो बाकी भैया ऑडियो से रिलेटेड अपना इसमें मेगासोनिक लगा है और कंपोनेंट्स लगे हैं आगे, क्या लगे हैं आगे? फ्रंट में इसमें जो लगा है प्राइमस कंपनी, सॉरी इन्फिनिटी के प्राइमस सीरीज के कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हैं, जिसका आउटपुट बहुत ही मतलब कि एक सुनने वाला साउंड है, काफी अच्छा साउंड है, प्रीमियम साउंड है, जिसको मतलब एक नॉर्मल आवाज चाहिए, साउंड अच्छा सही है, बेस भी है, बेस भी आया और अच्छा इफेक्ट भी आया, तो उसके लिए सेटअप हमने बना के दिया है, अच्छा इफेक्ट आएगा इसमें। और रियर में देखोगे तो आपको ट्रे के साथ हमने रेफरेंस सीरीज के, तो भैया ट्रे एक बार आप बताओगे, जैसे कई लोग लेते हैं बेस मॉडल, तो बेस मॉडल में कई गाड़ियों में ट्रे जो है नहीं मिलती, तो अपने पास सारी गाड़ियों की अवेलेबल है, 99% सारी गाड़ियों की, जैसे नैनो है उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, वो ऑन ऑर्डर मिलती है, ठीक है, बाकी सारी रनिंग कार्स की हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो बाकी ये तो हो गया गाइस अपना अंदर का जितना हो सकता था मैंने आपको एक बार दिखा दिया है, बाकी कोई सी भी अगर डिटेल लेनी हो तो आप भैया को कॉल कर सकते हो, सीट कवर से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया है, मैट भैया ने आपको बता दिया है, अगर कोई करवाना चाहे तो उसमें फ्लोरिंग भी करवा सकता है, जैसे भैया ने फ्लोरिंग नहीं करवाई है। अब इसमें क्या होता है कि नीचे कारपेट डस्ट आ जाती है कारपेट पे, तो डस्ट ना इस जगह पे, तो उसकी सेफ्टी पॉइंट के लिए ही सारे सारा मैटिंग करी जाती है। मैटिंग में भी वैरायटी हमारे पास जो अवेलेबल है 1300 रुपए से लेके 2800 तक की वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी भाई ये जो चीजें थी सारी अंदर की आपको बता दी है, तो अब एक बार डायरेक्ट इसका आपको सुनाता हूँ एक बार एनसीएस के सॉन्ग पे आउटपुट। इट्स टाइम कि आपको एक बार एनसीएस के सॉन्ग पे आउटपुट जो सुना दूं, ये सॉन्ग का आप नेम देख सकते हो, तो ये प्ले कर देता हूँ। आज की वीडियो देख ली है पूरी, अल्टो की मॉडिफिकेशन जो है आपको दिखा दी है, तो मनु भैया जो है अपने साथ है, मनु भैया कुछ हिंट बता दो कि क्या क्या चीजें जो है रह गई थी इसमें और क्या क्या चीजें इन फ्यूचर एडवांस में। तो देखो बहुत रह गई थी इसके अंदर की, जिसकी शायद कोई लिमिट भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि कराने को चाहते तो ये शायद 80 से 90 हजार का बजट भी जा सकता था, अगर कस्टमर का बजट होता उस लेवल पे, तो बाकी ये ठीक है 20-25 हजार के अंदर इतना काम मेरे हिसाब से ना। बाकी भाई गाड़ी के हिसाब से जो है अपना क्वालिटी वर्क भी हुआ गाड़ी के अंदर, जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो बाकी अगर आप और भी कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो, आपके पास और कोई भी गाड़ी है, तो आप मनु भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मनु भैया हमारी नंबर और एड्रेस शिवा कार एसेसरीज दिल्ली करोलबाग में हमारी शॉप है, और फोन नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, और 8860944166 मेरा फोन नंबर। सारी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, अगर किसी भी गाड़ी से रिलेटेड या कोई भी गाड़ी में अगर आपको कोई सा भी काम करवाना हो, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, अलॉय व्हील्स चेंज करवाने हो, तो आप मनु भैया को जो है कॉन्टैक्ट जो आप कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी अल्टो 800 की 20 से 25 हजार की बजट फ्रेंडली गाड़ी, और बजट फ्रेंडली ही अपनी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है ना भैया? तो बाकी यही होता है भाई, आज की डेट में हर कोई बंदा टेस्टफुली मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है, बाकी टॉप मॉडल लेके कई बंदे फिर भी करवाते हैं, पर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मिलता हूँ फिर एक बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेकर।